इंजीनियर्स भी बड़े कमाल के प्राणी होते हैं। एक दिन बैठे बैठाए किसी को याद आया, चलो कुछ अलग करते हैं। उन्होंने सोचा, जेट इंजन में जलाया किसे जा रहा है, वो है फ्यूल, और जलाया किसकी मदद से जा रहा है, वो है हवा। तो एक बात बताओ, ये टरबाइन परबाइन क्यों लगा रखा है, निकालो सबको बाहर, पैसा बचेगा और सरदार भी खुश होगा। सरदार से मेरा मतलब है रिसर्च टीम का लीडर। उसके बाद उन्होंने लेकर अपने औजार कर दी जेट इंजन पे चढ़ाई और निकाल फेंके सारे आलतू फालतू के सामान और बना दिया एक नए तरह का इंजन। अब पहले समझ लो इसकी वर्किंग। सामने से हवा आएगी और कौन शेप की वजह से कंप्रेस होगी, फिर खुली जगह मिलने पर एक्सपेंड होगी जिसमें मिलाया जाएगा फ्यूल और लगाई जाएगी आग, और उसके बाद ये देगा एक कमाल की रफ्तार। तो उसके लिए बनाया गया हाइब्रिड सिस्टम, मतलब प्लेन को उड़ाने के लिए यूज होगा टर्बोजेट सिस्टम, और उसके बाद प्लेन को शिफ्ट कर दिया जाएगा रैमजेट पर। उस समय दुनिया की कोई भी मिसाइल इस प्लेन को पकड़ ही नहीं पाई। अच्छा, ऐसा कितना तेज था ये? बस ज्यादा नहीं, कुछ 3500 किलोमीटर पर आवर। रैमजेट हुआ खत्म। अब आपके लिए सवाल, रैमजेट इंजन में किस फ्यूल यानी ईंधन का इस्तेमाल होता है? कमेंट में अपना जवाब लिखें।